गाइज फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर पूरे फुल तरीके से डिस्कशन करेंगे रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे यूजर इसको सेल करके भाग रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अभी थोड़ा सा भविष्य इस कंपनी का दिख रहा है ऊपर जाने के लिए, ठीक है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो और एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप ज़्यादा पैसा मत फंसाइए, 500,000 रुपया डालकर एक एजुकेशन प्रपोज के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की डेट में यहाँ पर देखिए सर्किट, ये तो सर्किट मारकर ऊपर गया फिर से नीचे आ गया। बहुत सारे लोगों को क्या सोचे कि यहाँ से शेयर और ऊपर नहीं जाएगा, बेच कर भाग गए, लेकिन दोस्तों फिर से सर्किट मारकर ये ऊपर गया। 5 डे में ये देखिए सर्किट मारकर ही ये ऊपर गया है, करीबन 25% की रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 141% की रिटर्न ये शेयर दिया है। 6 मंथ में 201% की रिटर्न ये शेयर दिया है। 1 ईयर में आप देखोगे 259% की रिटर्न ये शेयर दिया है। 5 ईयर में अभी भी 28% की गिरावट, अगर मैक्सिमम देखोगे तो 78% की गिरावट में चल रहा है। तो दोस्तों 40 रुपये वाला शेयर अभी आपको 845 रुपये में मिल, सॉरी 8 रुपया 45 पैसे में मिल रहा है। लिस्टिंग कब हुआ था, 2009 में लिस्टिंग हुआ था, 34-39 रुपीज़ में लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद ही यहाँ पर गिरावट, शेयर ऊपर नहीं गया है, गिरावट हुआ। अभी जो 8 रुपया 80 पैसा वाला 2011 में था, और दोस्तों उसके बाद हाई यहाँ पर लगाया था, अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो ये शेयर हाई कहाँ तक लगाया था, 17 रुपये तक हाई लगाया था, ठीक है। अभी ये कंपनी थोड़ा स्टेबल हो रहा है और ख़ुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश कर रहा है, इसीलिए आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये शेयर आप मान के चलो, मैं आपको देता हूँ 50 रुपया तक तो आराम से जाएगा, लेकिन लंबे अवधि के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। दोस्तों 50 रुपया इसका टारगेट है, लंबे अवधि के लिए होल्ड करना पड़ेगा। आज की डेट में आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा बाय हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मिलियंस में बाय हुआ है, ठीक है, और 53% की डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया है। कंपनी इंफॉर्मेशन पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको साफ साफ शो हो रहा है कि कंपनी अभी थोड़ा सा मतलब कि इनकम किया है। 2020 में 3,344 करोड़ का इनकम किया था, 2021 में 6,303 करोड़ का इनकम किया है, यानी डबल इनकम कंपनी इस बार किया है। अगर आप देखोगे 18 जून को रिजल्ट आया था, ठीक है, रिजल्ट भी ठीक ठाक था, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं था। और आप देखोगे प्रमोटर का सारा जो होल्डिंग्स है यार वो गिरवी रख चुके हैं प्रमोटर, ठीक है। अगर हम पूरा डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, मार्केट कैप आप जानते ही होंगे, ये पेनी शेयर हो चुका है, इसका मार्केट कैप 4,323 करोड़ का है, और यहाँ पर आप देखोगे 8 रुपया 30 पैसा इसका लाइफ टाइम हाई है, लो इसका 1 रुपया 85 पैसा, और बुक वैल्यू यहाँ पर माइनस में है, रिटर्न ये 12% दे चुका है, और सारा चीज़ यहाँ पर माइनस में है। ROC तो यहाँ पर बहुत ही माइनस में चल रहा है, और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। अगर कंपनी देखोगे, कंपनी पावर सेक्टर में काम करता है, पावर जनरेशन करता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, और 8 नंबर पर आता है। क्वार्टरली सेल्स देखोगे तो यहाँ पर सेल्स में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि सेल यहाँ पर देखिए सेल तो ठीक ठाक हो रहा है, यहाँ पर ज़बरदस्त बढ़ा है। 644 का सेल एक्सपेंड किया गया था, लेकिन 862 का सेल हुआ है। प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हो 39, यहाँ पर तो पूरा शुरू से माइनस चल रहा था, लेकिन इस बार क्वार्टर में 39 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर ईयर वाइज देखेंगे तो ईयर वाइज यहाँ पर देख सकते हो, पिछले साल यहाँ पर 165 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और अभी इस बार माइनस में शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे बैलेंस शीट तो 5,370 का शेयर कैपिटल है, रिजर्व कंपनी के पास 6,000 राउंड रिजर्व माइनस में चला गया है, और कर्जा देख सकते हो 9,253, यहाँ पर देख सकते हो 11,000 था, 13,000 14,000, लेकिन 9,000, यानी कंपनी यहाँ पर कर्जा को कम करके रिजर्व को भी प्लस करना चाहता है। उसके अलावा यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो प्रमोटर के पास जितना है वो तो गिरवी रख चुके हैं, 44% है। यहाँ पर FI वाले बेच कर भाग गए थे, अभी FI वाले में बाय कर लिए हैं, और यहाँ पर दोस्तों DI वाले भी यहाँ पर 15% रखे हैं, पब्लिक यहाँ पर 40% रखे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया, ये 50 रुपये का टारगेट, लेकिन 90 अवधि के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो ग्रो अप में थोड़ा सा आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। तो दोस्तों इसको मैं ओपन कर चुका हूँ रतन इंडिया पावर को, तो यहाँ पर आप देखोगे मिलियंस में वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस बार मतलब कि ईयर वाइज क्वार्टरली देखोगे, मार्च क्वार्टर में यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट देखोगे मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ा है, यहाँ पर पूरा माइनस में चला गया था कंपनी, अभी 39 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। नेटवर्थ भी देखोगे, नेटवर्थ यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा है,
नेट वर्थ अभी थोड़ा माइनस में है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट और रेवेन्यू कंपनी का इस वाले मंथ में थोड़ा ग्रो हुआ है, तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ आप थोड़ा होल्ड कीजिए। 50 रुपया तक ऐसे जाएगा, एनर्जी सेक्टर में काम करता है तो आपको होल्ड करना चाहिए, बेचकर मत भाग जाओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी, कोई पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।